बल तथा गति के नियम। भाग तीन, गति का द्वितीय नियम। पिछले वीडियो में हमने गति के प्रथम नियम के बारे में जाना और जड़त्व तथा द्रव्यमान में संबंध देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गति का द्वितीय नियम क्या होता है और गणित में इसका वर्णन कैसे करते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले बाहरी असंतुलित बल के कारण ही इसके वेग में परिवर्तन होता है, जिसका मतलब वस्तु में त्वरण यानी एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार किसी वस्तु का त्वरण लगने वाले बल पर निर्भर करता है और हम इसे कैसे माप सकते हैं। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। एक फुटबॉल के खेल में जब खिलाड़ी गेंद को लात मारता है तो गेंद चलना प्रारंभ करती है, लेकिन खिलाड़ी को इससे चोट नहीं लगती। लेकिन यदि खिलाड़ी किसी पत्थर को लात मारता तो खिलाड़ी का पैर बुरी तरह घायल हो जाता। यहां तक कि जब क्रिकेट की गेंद को अधिक वेग से फेंका जाता है तो ये किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकती है। इन उदाहरणों से ये पता चलता है कि किसी वस्तु से होने वाला प्रभाव इसके द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। यह इशारा करता है कि ऐसी कोई महत्वपूर्ण राशि हो सकती है जो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग को जोड़ती है। सर आइजक न्यूटन ने ऐसी राशि को प्रस्तुत किया और इसे संवेग यानी मोमेंटम कहा। गणितानुसार किसी वस्तु को संवेग p को हम इसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से परिभाषित करते हैं। संवेग एक भौतिक राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। संवेग की दिशा वही होती है जो वेग की होती है। संवेग एक सदिश यानी वेक्टर राशि है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि लगने वाला असंतुलित बल वस्तु के वेग में परिवर्तन लाता है। इसी प्रकार संवेग की परिभाषा से हम ये कह सकते हैं कि लगने वाला असंतुलित बल वस्तु के संवेग में भी परिवर्तन लाएगा। अब हम किसी गाड़ी को धक्का देने का उदाहरण लेते हैं। जब एक व्यक्ति किसी गाड़ी पर अचानक से धक्का लगाता है तो ये नहीं हिलती है, लेकिन यदि वही व्यक्ति कुछ समय तक लगातार इसमें धक्का लगाता है तो गाड़ी में त्वरण उत्पन्न हो जाता है और ये चलने लगती है। ये दर्शाता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन सिर्फ बल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस समय पर भी निर्भर करता है जितने समय तक वस्तु पर बल लगाया जाता है। अर्थात वह बल जो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है, समय के सापेक्ष संवेग में परिवर्तन पर निर्भर करता है। इस धारणा के अनुसार न्यूटन ने गति का द्वितीय नियम प्रस्तुत किया, जो बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के अनुपाती होती है। अब हम गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना का अध्ययन करते हैं। माना कि m द्रव्यमान की एक वस्तु प्रारंभिक वेग u से सीधी रेखा में चल रही है। नियत बल F t समय तक लगाने से इसका वेग v हो जाता है।
हम वस्तु के प्रारंभिक संवेग को P1 से दर्शाते हैं, जो कि M और U के गुणनफल के बराबर है, और अंतिम संवेग को P2 से, जो कि M और V के गुणनफल के बराबर है। इसलिए संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1 के बराबर है, जिसे लिखा जा सकता है M गुना V माइनस M गुना U। इसलिए संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर हो सकती है M गुना V माइनस U बटा T के, अर्थात लगने वाला बल M गुना V माइनस U बटा T से अनुपाती होता है, या F बराबर K गुना M गुना V माइनस U बटा T, जिसे लिखा जा सकता है K गुना M गुना A। यहाँ A बराबर V माइनस U बटा T वस्तु में उत्पन्न त्वरण है, जो कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर है। K एक आनुपातिकता स्थिरांक है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है, या सिर्फ kg, और त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक इस प्रकार लिया जाता है कि आनुपातिकता का स्थिरांक K एक हो जाता है। समीकरण के अनुसार हम एक इकाई वाले बल को वो बल कह सकते हैं जो एक किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में एक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। अर्थात एक इकाई बल बराबर K गुना एक किलोग्राम गुना एक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार K का मान एक हो जाता है। हम जानते हैं कि F बराबर K गुना M गुना A। अब हम लिख सकते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है, जिसे N द्वारा भी दर्शाया जाता है। तो हमने देखा कि वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण से इस पर लगने वाले बल को गति के द्वितीय नियम से कैसे मापा जा सकता है। अब एक उदाहरण देखते हैं जो गति के द्वितीय नियम को दर्शाता है। एक क्रिकेट के खेल में जब खिलाड़ी तेजी से आ रही गेंद को पकड़ता है, तो गेंद को पकड़ते समय वो अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। इससे खिलाड़ी को समय अंतराल बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे गेंद का वेग शून्य तक कम हो सके। ये त्वरण को कम करता है, जिससे गेंद की तेज गति का प्रभाव और बल कम हो जाता है। यदि खिलाड़ी तेजी से आ रही गेंद को अचानक से पकड़ता है, तो वेग को शून्य तक ले जाने के लिए बहुत कम समय मिलता है। इस प्रकार संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी और खिलाड़ी द्वारा गेंद को रोकने के लिए और अधिक बल की आवश्यकता होगी। इसकी वजह से खिलाड़ी का हाथ घायल हो सकता है। इसी प्रकार के उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में देखे जा सकते हैं। क्या तुम ऐसे उदाहरण सोच सकते हो? ये देखना रोचक है कि गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र के उपयोग से गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है। गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि F बराबर M गुना A होता है, या F बराबर M गुना V माइनस U बटा T, जिसे लिखा जा सकता है F गुना T बराबर M गुना V माइनस U। इस समीकरण से हम देख सकते हैं कि यदि F शून्य के बराबर होता है, तो प्रारंभिक वेग U बराबर अंतिम वेग V होता है।
अर्थात यदि कोई असंतुलित बल नहीं लग रहा हो तो वस्तु एक नियत वेग u से चलती रहेगी, और यदि प्रारंभिक वेग शून्य हो तो अंतिम वेग भी शून्य होगा। अर्थात अगर कोई असंतुलित बल न लग रहा हो तो विराम अवस्था की कोई वस्तु विराम में ही रहेगी। इस प्रकार हमने देखा कैसे गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र के उपयोग से गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इस वीडियो में हमने देखा गति का द्वितीय नियम क्या होता है और गणित में इसका वर्णन कैसे करते हैं। अगले वीडियो में हम गति के तृतीय नियम के बारे में जानेंगे।